ಮೊನ್ನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾನ ಹೋಗಿ ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ 8 ಎಕರೆ ವಕಫ್ ಈ ರೀತಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत से नवाजता है और जिसे चाहे जलील कर देता है। दरअसल हमारे ईमान का हमें खुद जायजा लेना चाहिए और मामले को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ मोड़ देना चाहिए। अपने आप को हिंदुत्व का आलमबरदार और शेर समझ कर होशियारी झाड़ने वाले बीजापुर के अतनाल पाटिल को वहाँ के लोगों ने बड़े ही जिल्लत के साथ स्टेज से नीचे उतार दिया और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले की तरह जलील ख्वार होकर उसे निकलना पड़ा। खैर, सबसे पहले बागलकोट तेरदाल की उस आवाम का शुक्रिया जिन्होंने नफरती गिरोह की सरगना को जलील ख्वार करके बाहर कर दिया। हासिल इत्तला के मुताबिक बागलकोट तेरदाल में बतौर मेहमान खसूसी बीजापुर के MLA यतनाल पाटिल को आलम प्रभु मंदिर के इफ्तिताही इजलास में मधु किया गया था। अब जिस काम के लिए उसे बुलाया गया था वही बात वहां करना था, लेकिन जब किसी बुरे जानवर को खूबसूरत गार्डन में छोड़ दिया जाए तो वो गंदगी ही तलाशता रहेगा। बिल्कुल उसी तरह फिर वह बोर्ड पर बोलना शुरू किया और कैसे एक किसान की 8 एकड़ जमीन को वह बोर्ड ने कब्जा करने की कहानी सुनाने जा रहा था। ऐन उसी वक्त वहां खड़ी आवाम ने उसके बयान की मुखालफत की और कहा कि यहां मंदिर के इफ्तिताह में आए हैं और आपको सियासी बात नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे लोगों की मुखालफत बढ़ने लगी वहां से जलील ख्वार होकर नफरती चिंटू उर्फ यतनाल पाटिल को स्टेज से उतरकर भागना पड़ा। भले इस बात को गोदी मीडिया ने बहुत ज्यादा अहमियत न दी होगी, लेकिन इस तरह से नफरती जहरीले यतनाल को स्टेज से उतार कर भगाना गोया इस महान लोकतंत्र की एक तरह से जीत कही जा सकती है। भले से कुछ लोग ज्यादा अहमियत न देते हो पर लोकतांत्रिक भारत में इस वारदात को आगे भी लोग याद रखेंगे, जहां पूरे मुल्क के साथ कर्नाटक में भी नफरत का जहर घोलने की कोशिश सुबह शाम जारी हो और यह एक तरह से यतनाल पाटिल उसका सरगना कहा जाए तो गलत न होगा। बागलकोट के तरदाल के आवाम वाकई मुबारकबाद के काबिल कह सकते हैं। अब जल्लो खार यतनाल की कैफियत का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। शायद उस रात को उसे नींद भी ना आई हो। खैर, इस बात का तस्करा सिर्फ इसलिए नहीं कि यतनाल वहां से जलील होकर चला गया, बल्कि मुसलमानों के लिए भी कुछ लम्हे फिक्र कह सकते हैं। कुछ फैसले खुदाई बारी ताला के दरबार में छोड़ देने चाहिए। ये इसलिए भी कह रहा हूं कि अल्लाह रसूल की हम बातें तो करते हैं, लेकिन हकीकत में हर फैसले हम खुद ही करना चाहते हैं। आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी मामले को अल्लाह के हवाले करना सीखे। इंसान किसी जुल्म का इंतकाम बहुत कम लेता है और जब खुदा सबक सिखाने पर आ जाता है तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। इसका मतलब ये भी कतई नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए कि अल्लाह सब कुछ कर लेगा, पर भरोसा खुदा पर ही रखना चाहिए। खैर, कर्नाटक में बदजुबान बदकिरदार सियासी लीडर के तौर पर यतनाल को जाना जाता है। इससे एक बात ये भी समझने की जरूरत है कि मुसलमानों को उकसाने की कोशिश जारी है। बजाय मुसलमान सड़कों पर उतरकर फिरका परस्तों के लिए मौका फराहम करने से दिगर मजाहिब के लोगों को ही हकीकत को समझाकर फिरका परस्तों की मुखालिफत में खड़ा किया जाए, और ये एक तरह से देश के हक में ही होगा क्योंकि मुसलमानों की हर हरकत का भांडवल किया जाता है। आप अच्छा कहो या बुरा कहो, उसमें से नुक्स निकालने की एक कोशिश हमेशा होती रही है और उसमें कुछ हद तक फिरका परस्त कामयाब भी हो रहे हैं। आप कितनी भी अच्छी बात कहो, इसका गलत मतलब निकाल कर मुसलमानों को ही देश विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है ऐसे वक्त में जिम्मेदारी सेक्युलर हिंदुओं की ज्यादा होती है और तेरदाल के लोगों ने उस जिम्मेदारी को कुछ हद तक ही क्यों ना हो निभाया जरूर है। अब दिगर जगहों पर भी इस तरह की तस्वीर देखने को हम सभी मुंतजिर हैं। समझ लो, जितने भी नफरती जानवर यहां वहां घूमकर गंदगी फैला रहे हैं, इसी तरह इन्हें किनारे कर गांव के बाहर कर दिया जाए ताकि शहर गांव मोहल्ले को साफ और शफाफ रखे। तेरदार में हुए इस वारदात के बाद हल्की ही सही लेकिन उम्मीद की किरण नजर तो आ रही है, जहां लोग मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों को
हीरो बना रहे हैं, उसका मर्तबा वकार सिर्फ इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि फला शख्स मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। और अब तो कईयों की रोजी रोटी ही मुसलमानों का नाम लेकर चल रही है। अगर आपको बड़ा लीडर बनना है तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना होगा। आप रियासत में तवील फहरिस्त देख सकते हैं। मुल्की सतह पर तो बहुत सारे लीडर साहब बने हुए हैं जो मुसलमानों के खिलाफ खुले मंचों से बात करते रहते हैं। कपिल मिश्रा, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कंगना रनौत, अनुपम खेर, शर्लिन चोपड़ा, अब तो फिल्मी सितारों में मुकाबले लगे हुए हैं। अब नाच गाने से तो गुजारा नहीं हो रहा, लोग इन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहे। तो इनका नया धंधा मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी है। इसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। नितेश राणे ने भी यही फार्मूला इख्तियार किया हुआ है। अब साधु संतों में भी इस तरह के मुकाबले लगे हुए हैं। लिहाजा तेरदाल में इतनाल की जिल्लत एक तरह से नई शुरुआत कह सकते हैं। और इस तरह यहाँ कहीं भी नफरत चिंटू नजर आते हैं, उन्हें इसी तरह से इजलासों में नीचे उतारना और इन्हें जलील और ख्वार करना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि मुल्क में आज भी नफरत कामयाब नहीं हो सकती। पर इसके लिए तेरदाल के अवाम की तरह का जिगर होना जरूरी है, ये भी उतना ही सच है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।